हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन से AI क्रिएटेड इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज आप लोग को देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे कि मैंने किस तरीके से अपना AI से अपना एक इमेज क्रिएट करा है, पीछे बैकग्राउंड में अपना नाम लगाकर। तो इस तरीके से आप अपना भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से ही घर बैठकर, बिल्कुल फ्री में, इसमें कोई पे करने की जरूरत नहीं होती है। और आप इससे अपने व्हाट्सएप DP या फिर इंस्टा का प्रोफाइल पिक्चर पे लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और इसको बनाने बहुत ही इजी है। मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि इस तरीके से इमेज आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को, और आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको एक लिंक देने वाला हूं जहां से कि आप इस तरीके से इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसे कहीं भी बता सकते हैं एक ट्रिक को जहां से कि आप इस तरीके से इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। ये वीडियो सिर्फ 4 से 5 मिनट तक का ही होने वाला है। मैं इसमें ही आपको बताऊंगा कि इस तरीके से इमेज कैसे क्रिएट करा जाता है मोबाइल फोन से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को, और आप देखिए साइड में स्क्रीन पर, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए क्योंकि इसमें कहीं भी हम बता सकते हैं किस तरीके से करना है। इसका एक मैं टेक्स्ट दूंगा जहां से कि आप उसको कॉपी पेस्ट करके आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना गूगल को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल को ओपन करेंगे तो उस पर आपको सर्च करना है बेंग इमेज क्रिएटर। तो आप सबसे पहले ही देख सकते हैं यहाँ पे एक लिंक आया सबसे, इमेज क्रिएटेड विथ वेंग इमेज क्रिएटर। आपको सबसे पहले लिंक पे क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आपको आता है मेन ट्रिक जो कि आपको यूज करना है अपने इमेज को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले देख सकते हैं इसमें बहुत ही ज्यादा AI से क्रिएटेड इमेज है जो कि आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे कोई भी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछता है माइक्रोसॉफ्ट में लॉगिन करने के लिए। तो आप अपना जीमेल ID और पासवर्ड को डालकर माइक्रोसॉफ्ट को लॉगिन कर लीजिए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में ही इसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख के लिखा है क्रिएट आर्ट फॉर्म वर्ड विथ AI, मतलब आप लिख कर कोई भी इमेज को क्रिएट कर सकते हैं कि आपको अगर कुछ भी चीज चाहिए तो आप यहाँ पे लिख कर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक डाल दिया हूँ, एक वो डाल रहा हूँ टेक्स्ट जहां से कि आप उसको कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे आप उसे पेस्ट करिएगा। जैसे कि मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है, जहां लिखा है प्रोफाइल व्हाट्सएप प्रोफाइल जहां पे लिखा है, तो आपको व्हाट्सएप को कट करना है। यहाँ पे अपना डालना है इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिख के फिर आपको नीचे आना है। तो यहाँ पे एक जगह लिखा है योर नेम, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख रखा है योर नेम। तो आपको योर नेम काट कर यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। चलिए मैं अपने चैनल का नाम डाल लेता हूँ टेक का टेक्नो। बस आपको इतना ही लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइन एंड क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इमेज आएगा बनके। थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थोड़ा सा वेट नहीं करेंगे तो आपका इमेज थोड़ा सा इसमें टाइम लेता है AI क्रिएट करने में। क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी तरीके से इमेज क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी कोई भी इमेजिंग किया हो इमेज आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं थोड़ा सा और टाइम लूंगा बस। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि थोड़ा देर वेट करने के बाद आपके सामने भी यहाँ पे एक इमेज क्रिएट होके आ चुका है अपने नाम के साथ। तो यहाँ पे देखिए मैं किसी भी इमेज को अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरा चैनल का नाम आ गया टेक्नो का टेक का टेक्नो। तो आप लोग यही है मेरे चैनल का नाम, आप लोग जाकर फटाफट सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इस तरीके से आप लोग बहुत ज्यादा AI से इमेजिंग क्रिएट कर सकते हैं इमेज। तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि AI से कोई भी इमेज कैसे क्रिएट करा जाता है। जो मैंने टेक्स्ट लिखा है अपने इस इमेज को क्रिएट करने के लिए, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग वहां पे जाइएगा उसे स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, या फिर इमेज से जो स्कैनर आता है उसे स्कैन करके आप लोग उसको टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो मैं इसमें आपको इस तरीके से AI से रिलेटेड में कोई भी वीडियो को आप लोग पूछेंगे तो मैं आपको बता के दूंगा यहाँ पे। तो बस मेरे चैनल को फटाफट से जाकर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए, वीडियो आएगा सुबह कल 9 बजे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।